हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड दोबारा से। और गाइस, आज हम लोग जो करने वाले ना पाल वर्ल्ड के अंदर, वो भाई सब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि गाइस, आज हम लोग मारने वाले हैं ब्लास्टमैट रियो को। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ब्लास्टमैट रियो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सारे के सारे अपने आर्मर वगैरह सब रिपेयर करा लेते हैं हम लोग, क्योंकि गाइस अपने को रिस्क लेना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से मारना है। चलते हैं गाइस स्पॉन वाले जगह पे। यहाँ पे मैंने एक बेस बनाया हुआ है जो कि खास बेलोनार के लिए बनाया था, लेकिन इसके लिए भी अपने को यही बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भाई सब खाली ओपन बेस। यहाँ पे अपन लोग स्पॉन करने वाले हैं, स्पॉनर बनाने वाले हैं, ताकि अपन लोग स्पॉन कर सके ब्लास्टमा ट्रियो को। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अल्ट्रा स्लैब वाला जो ब्लास्टमा ट्रियो है उसको भी अपन लोग स्पॉन करने वाले हैं। फटाफट से इसको पहले बना लेते हैं। मैं क्यों बनाऊं गाइस, मेरे पास पोकेमोन है। इसको बनाने के लिए भाई साहब मैं सारे के सारे अपने मेन मेन पोकेमोन्स को बेस पे उतार देता हूँ, ताकि गाइस फाइट भी तो करनी है ना उनसे, तो उसके लिए काम पे आएंगे, कि मैं अकेले तो उससे लड़ नहीं सकता। तो फटाफट से उतार लेते हैं इन सबको। और भाई सब सारे के सारे पावरफुल पोकेमोन्स मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हाँ गाइस, काफ़ी तगड़े तगड़े पोकेमोन्स लगने वाले उसे मारने के लिए अपने को। अपन लोग उसको कैप्चर तो नहीं कर सकते बिल्कुल बेलोनॉइड की तरह, तो हाँ इससे अपन को पिक करना है इसको। तो फटाफट से स्पॉन कर लेते हैं भाई साहब इस ब्लास्टमैट ट्रियो को। इसके बाद अपन लोग इसको स्पॉन करेंगे ब्लास्टमैट ट्रियो अल्ट्रा स्लैब को। और फिलहाल इसको स्पॉन कर लेते हैं अपन लोग, और इससे फाइट भी कर लेते हैं गाइस। देख सकते हो आप लोगों ने, मैंने दो डाला लेकिन पता नहीं एक ही कैसे डला रहा था। ओके, स्पॉन करते हैं। ओके गाइस, लेट्स गो। हमने स्पॉन कर दिया भाई साहब प्लास्मा ट्रियो को। अब मजा आएगा भाई साहब देखना फाइट कैसे अपना पोकेमोन्स लेते हैं। ओके, हमारे सारे के सारे पोकेमोन्स इसके ऊपर धावा बोल दिए हैं, लेकिन गाइस ये फाइट इजी नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है प्लास्मा ट्रियो। पता नहीं मेरा पीसी क्या हो रहा है इस वक्त। तो हाँ, अपने को थोड़ा ना सेफ होकर खेलना है। और भाई साहब इसके ऊपर तो बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। ये गाइस स्पॉन हो सकता है कहीं पर भी, अपने आप को दूसरे जगह पे रिस्पॉन कर सकता है। तो हाँ, इससे फाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अपने को। फिलहाल मेरे सारे पोकेमोन्स अच्छे से फाइट कर रहे हैं, और ये मेरे को चला दिया, पता नहीं कैसे भाई साहब इतने दूर से मेरे को चला दिया है। और गाइस, इसने मेरे भेजे हुए कुछ पोकेमोन्स को ये मार दिया है, शायद ना सारे के सारे पोकेमोन्स को मार दिया है। जो मेरा भाई साहब ये ऑस्ट्रेलियन है वही बस बचा हुआ है। तो हाँ गाइस, मुझे फटाफट से ना और भी पोकेमोन्स यहाँ पे स्पॉन करने पड़ेंगे। पता नहीं इसको क्या हो गया, एक जगह पे अटक गया है। तो हाँ, इसका फ़ायदा उठा के अपन लोग फटाफट से ना और पोकेमोन यहाँ पे स्पॉन करते थे। जो मर गया वो भाई साहब, मेरे सारे के सारे पोकेमोन्स मर गए थे। मैंने कुछ जेट ड्रैगन यहाँ पे डाल दिया है, और गाइस मेरा वाला भी जेट ड्रैगन है मेरे पास, उसको भी डालेंगे, टेंशन लेने वाले की बात नहीं। फिलहाल ये गाइस बहुत बड़ा बड़ा अटैक करने वाला है, मैं तो इससे भाई सब दूर ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो अटैक है भाई, मेरा शील्ड एक बार में उड़ा दे रहा। तो हाँ, बच बच के खेलना पड़ेगा। फिलहाल मेरे बहुत सारे पोकेमोन मर गए हैं जो अभी मैंने फिलहाल में ही डाले थे। तो हाँ गाइस, अभी मुझे कुछ ना अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर, जैसा कि मुझे लग रहा अभी इसने तो मुझे बहुत दूर फेंक दिया अपने अटैक से, और फिलहाल जला भी दिया है। तो हाँ गाइस, मेरा हेल्थ भी जाने लगा है, शील्ड तो ऑलरेडी जा चुका है, हेल्थ भी जा रहा है। फिलहाल मैं भेजता हूँ अपने जेट ड्रैगन को, जेट ड्रैगन अच्छा खासा डैमेज देते भाई। और गाइस, इसके साथ बस मात्र ना 20% HP बचा है, वहाँ अपन लोग इसको इजी हरा देंगे। प्लास्मा ट्रियो अल्ट्रा वाले को बस थोड़ा दिक्कत होने वाली है, इसको तो अपन लोग हरा देंगे इजीली। साथ से मेरा जो ड्रैगन भी भाई सब लो हो चुका है, बुला लेते हैं ऑस्ट्रेलियन को भेजते हैं। और भाई सब पता नहीं ये क्या करने लगा, इसने तो अपना हेल्थ वापस से रिकवर कर लिया भाई सब बेलोनॉइड की तरह ही। कोई बात नहीं, बेलोनॉइड को भी अपन लोगों ने मारा था, इसको भी बहुत गंदी तरीके से मारने वाला है। फिलहाल तो ये मुझे गंदी तरीके से मार रहा भाई, बचना पड़ेगा यार। गाइस, मैं अपने आप को दूर रह रहा के इससे डैमेज से बता रहा था। फिलहाल मैं अपना मिट्योराइट लॉन्चर निकाल लिया हूँ भाई साहब, इससे बहुत खतरनाक इसको डैमेज मिलने वाली है, और मैं लगातार मारने वाला हूँ इसको। गाइस, इसने अभी अपना पूरा हेल्थ रिकवर किया है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है ये। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अपने पास पूरे अभी 6 मिनट है, 4 मिनट में अपन लोगों ने इसको गंदा डैमेज दिया, तो 6 मिनट में तो भाई साहब इसको इजी अपन लोग हरा देंगे। फिलहाल मिटोराइट लॉन्चर भाई सब गंदा पड़ने वाला है। गाइस, काश अपने पास ना और मिटोराइट लॉन्चर के बुलेट्स होते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल गाइस थोड़ा सा ही इस पर बचा है इसका, लगभग 30% के आसपास ही है, तो इजीली अपन लोग इसको हरा देंगे। 5 मिनट है पूरे अपने पास, तो हाँ अपन लोग इसको इजी हराने वाला है। फिलहाल तो कोई बहुत खतरनाक वाला अटैक कर दिया मेरे ऊपर, और गाइस इसका HP लगभग 10% ही है, तो इजीली मेरे पोकेमोन से इसको हरा देंगे। फिलहाल एक जेट ड्रैगन ही है दिख रहा मुझे, जिसको मारना पड़ा है कब से। ओ शिट गाइस, शायद से ना कोई खतरनाक वाला अटैक करने वाला है, इनविजिबल हो चुका है। फिलहाल ओके, अपना जेट ड्रैगन इसको इजीली मार दिया है। फिलहाल तो गाइस बहुत मज़ा आ गया, इसको अपन लोग इजी मार दिए हैं, और अपने को गाइस इसका एक वगैरह भी मिल गया होगा अभी तक।
तो हाँ एक बात अच्छी हो गई है, फिलहाल अभी अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स मर गए यार, सारे के सारे पोकेमॉन्स को रिकवर करना पड़ेगा अपने को और वापस से यहाँ आना पड़ेगा ब्लेजमा ट्रियो अल्ट्रा स्लैब वाले को मारने के लिए। तो हाँ उसके लिए गाइस तैयार रहना, फिलहाल मेरे सारे पोकेमॉन हील हो रहे हैं और गाइस रात भी होने वाली है, तो मैं फटाफट से जाके सो लेता हूँ एक बार, ताकि गाइस अगला दिन हो जाए और भाई साहब दिन में लड़ने में तो मज़ा ही अलग आता है। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, दिन हो चुका है तो चलते हैं वापस से। ऑल राइट गाइस, अपन लोग स्पॉन करने वाले हैं अल्ट्रा ब्लेजमा ट्रियो को। गाइस ये होने वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल, फिलहाल मैंने यहाँ पे स्पॉनर बना दिया है और गाइस सारे के सारे पोकेमॉन्स को भी निकालने का टाइम आ चुका है। फिलहाल मैं बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को फटाफट से उतार देता हूँ। इस बार गाइस मैं कुछ ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स उतारने वाला हूँ, क्योंकि शुरू में अपने को ज़्यादा डैमेज देना है। तो हाँ गाइस मैं अपने सारे शाइनी पाल भी उतार दिया हूँ, फिलहाल मेरे सारे पोकेमॉन्स यहाँ पे एकदम रेडी हैं भाई साहब मारने के लिए। तो हाँ गाइस अभी स्पॉन करने का टाइम आ चुका है, अब भाई साहब अपन लोग जो करने वाले हैं भाई साहब इस पर अपना बहुत ज़्यादा पोकेमॉन्स मारे जाने के चांसेस हैं, फिर भी हम लोग स्पॉन करेंगे अल्ट्रा ब्लेजमा ट्रियो को। ओके तो गाइस स्पॉन हो चुका है, फिलहाल मैं चला जाता हूँ दूर, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे अच्छा खासा डैमेज नहीं लेना है इसका। और गाइस ये निकलते ही मेरे सारे पोकेमॉन्स इसके ऊपर थावा बोल दिए हैं और फिलहाल गाइस इसको कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि गाइस इसका जो हेल्थ है 1 करोड़ के ऊपर हेल्थ है भाई साहब, पता नहीं अपन लोग इसको मार पाएंगे भी या नहीं। तो हाँ गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 1 करोड़ हेल्थ, गाइस सोच सकते हो अभी तक कोई भी पाल 1 करोड़ हेल्थ के आसपास भी नहीं आया है, तो ये पहला पाल है जिसका हेल्थ 1 करोड़ होने वाला है। तो हाँ हम लोग इसको हराने वाले हैं, तो हाँ गाइस अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको हराने की। फिलहाल तो गाइस ये सारे पोकेमॉन्स मेरे मारे जा रहा है भाई साहब, हर एक एक सेकंड में मरे जा रहे हैं मेरे एक एक पोकेमॉन भाई साहब, मेरे इतने पावरफुल पोकेमॉन को मारे पड़ा है भाई, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है गाइस, लगता है मुझे 3 से 4 बार पोकेमॉन उतारना पड़ेगा। तो गाइस एक बैड न्यूज़ ये है कि अपना जो मेट्रोलाइट लॉन्चर था वो गाइस ख़त्म हो चुका है उसका एमो, तो मुझे लाना पड़ा मिसाइल लॉन्चर, और गाइस ये एक बार में 4 ही मिसाइल फेंक सकता है, तो गाइस ये अपने पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिलहाल मैंने ना सारे के सारे पोकेमॉन्स अच्छा खासा फाइट कर रहे हैं, इसका अभी तक अपन लोगों ने लगभग 15% HP खाया है और गाइस इसने हमारे बहुत सारे पोकेमॉन्स मार दिए हैं, मेरे जो ड्रैगन्स को पर्सनली मार दिया भाई साहब इसने, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, तो गाइस अपने को बच बच के खेलना पड़ेगा। अपना शील्ड भी इसने एक अटैक में उड़ा दिया है, तो अपने को शील्ड रिकवरी के लिए इससे दूर रहना पड़ेगा। तो हाँ गाइस आप लोग फाइट इन्जॉय करो। गाइस ये जो इनविजिबल वाला अटैक है मेरे पास में आगे ही करता है, और गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है, एक बार में ही शील्ड उड़ा देता है। फिलहाल मेरा शील्ड रिकवर होने वाला है, तो हाँ मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ अपने मिसाइल लॉन्चर से, और भाई साहब इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस मिसाइल लॉन्चर से। गाइस मेट्रोलाइट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही मुझे, फिलहाल मुझे वो बिल्ड कर लेना था और फिर आना था इससे फाइट लेने। फिलहाल तो अपन लोग इसका भाई साहब लगभग 30% ही HP उड़ा पाए हैं और गाइस इसने मेरे बहुत सारे पोकेमॉन्स मार दिए हैं। फिलहाल ना मैं कैसे कैसे करके अपने भाई साहब पाल डेक के पास पहुंच जाऊं, ताकि मैं और भी पोकेमॉन्स यहाँ पे स्पॉन कर सकूं। तो हाँ गाइस बस मुझे यही चाहिए कि थोड़ा सा ना इसका ध्यान भटके और मैं बहुत सारे पोकेमॉन यहाँ पे ना लॉन्च कर पाऊं, ताकि गाइस इसको डैमेज दे सके। फिलहाल ये कुछ करने में बिज़ी हो गया है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पोकेमॉन डाल देता हूं, और गाइस सारे के सारे अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स मैं फटाफट से उतार देता हूं, ताकि मैं गाइस इसको अपन लोग बहुत जल्दी डैमेज कर सके। फिलहाल गाइस मैं वहाँ पे अपना पोकेमॉन उतार रहा था और इसने मेरा शील्ड एक बार उड़ा दिया, फिलहाल मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। और गाइस अच्छा खासा फाइट ले रहे हैं मैंने जितने सारे पोकेमॉन्स यहाँ पे डाले हैं, लेकिन गाइस ये मेरे सारे पोकेमॉन्स को छोड़ के मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है कब से, भाई मुझे छोड़ दिया है मेरे पोकेमॉन्स को मार ले। फिलहाल गाइस 50% HP अपन लोग इसको ले जा चुके हैं और अपने पास 6 मिनट ज़्यादा टाइम है, तो हाँ अपन लोग शायद से ना इसको भी हरा देंगे। लेकिन गाइस मेरा जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही नहीं है, मेरा हेल्थ लगभग 1.5 HP हो चुका है और मेरे पास शील्ड भी नहीं है। फिलहाल मेरा शील्ड रिकवर होने वाला है, तो हाँ मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ अपने मिसाइल लॉन्चर से, और गाइस अभी इसकी HP ना लगभग 35% ही रह गई है, तो हाँ इसको अच्छा खासा अपन लोग डैमेज दे रहे हैं मेरे सारे सारे पोकेमॉन्स मिलकर। ऑल राइट गाइस अभी इसकी HP लगभग 30% हो चुकी है, तो हाँ अपना सारे के सारे पोकेमॉन्स भी मर चुके हैं, तो हाँ अभी ये शायद से बिजी मैं और भी पोकेमॉन यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो हाँ गाइस फटाफट से मैं ना और पोकेमॉन डाल दूँ ऐसा मुझे मन में आ रहा। लेकिन गाइस मेरा हेल्थ देख के मेरा जाने का वहाँ इच्छा नहीं हो रहा, गाइस ये मेरे को एक बार में मार देगा और गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे इसको अपन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था, लेकिन गाइस ये जो पावर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
फिलहाल मैं कैसे तैसे पाल डेक के पास पहुंच जाऊँ, यही मेरा भाई साहब वो चीज़ है प्लान। और गाइज ये अपना हेल्थ वापस से रिकवर कर रहा है, मैं तो भूल ही गया था गाइज ये बात कि वापस से अपना हेल्थ रिकवर कर सकता है। और गाइज हेल्थ रिकवर करने के बाद ये बहुत गंदा बहुत ख़तरनाक वाले अटैक्स करेगा मेरे ऊपर, मुझे पता था। और गाइज मेरा शील्ड भी गया भाई साहब एक अटैक में, और मेरा शील्ड चला जाएगा। फिलहाल गाइज ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इस टाइम पर, और अपने पास लगभग 4.5 मिनट है। 4.5 मिनट में अपने को इसको हराना पड़ेगा, लगभग गाइज 40% HP अपन लोग को इसको खाना पड़ेगा तब जाके ये मरेगा। और मेरे सारे पोकेमोन भी मर गए हैं गाइज, और गाइज मेरे कुछ ही पोकेमोन्स जिंदा हैं, बाकी सबको इसने मार दिया है। और गाइज मैं पाल लेक में जैसे पोकेमोन उतारूंगा मेरे ऊपर ही अटैक करेगा। फिलहाल मेरा ऑस्ट्रेलियन नॉक ही भाई साहब अकेले संभाल रहा है सारी फाइट को, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा है इसके ऊपर। और ऑस्ट्रेलियन नॉक का मैंने भाई साहब डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिस कारण इसके अटैक्स को भी ब्लॉक कर पा रहा। और गाइस ऑस्ट्रेलियन नॉक ने इसको अकेले ही उलझा के रखा है भाई साहब, ये भी जल्दी मरने वाला है। फिलहाल मैं अपने मिसाइल लॉन्चर से इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। और गाइस कुछ कुछ पोकेमोन्स ही हैं जो मेरे अभी बचे हुए हैं जिनको मैं लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन गाइस उसके लिए मुझे पाल डेक के पास जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपने ऑस्ट्रेलियन को भेजता हूँ, और गाइस ये भी अच्छा खासा डैमेज देता है उसको, क्योंकि गाइस जो अपना प्लाज्मा ट्रियो है वो फायर टाइप है, अपना ऑस्ट्रेलियन जो है वो गाइस आइस टाइप है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने लगे। फिलहाल इसने मेरे ऊपर गंदा वाला अटैक कर दिया, जिससे गाइस मेरी HP लगभग हाफ से भी कम हो चुकी है। फिलहाल मुझे गाइस किसी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इससे, क्योंकि इसने मुझे गंदे तरीके से मारा है और मेरे हेल्थ लगभग 20% है। फिलहाल तो गाइस मुझे इसे मारने के नहीं बचने की ज़रूरत है, तो हाँ मैं इसे दूर रह के इसके ऊपर अटैक करता हूँ। और गाइस लगभग 2 मिनट ही अपने पास है, तो क्या हम शायद ही इसको मार पाएंगे जैसे मुझे लग रहा। फिलहाल अपने पास 2.5 मिनट ही है जिस इसे मारना है, और गाइस इसकी HP मेरे HP से भी ज़्यादा है फिलहाल तो, हाँ गाइस मुझे इससे दूर रह के इससे फाइट लेना है। ऑल राइट गाइस जितने भी मेरे पास मिसाइल हैं ना सारे के सारे इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसका हेल्थ अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बहुत कम है अपने पास, तो हाँ इसको मारना ही पड़ेगा। फिलहाल मेरा शील्ड वापस से रिकवर हो चुका है, तो हाँ गाइस अभी मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर कोई गंदा वाला अटैक करने वाला था जिसको मैंने ब्लॉक किया दूर जाके। और गाइस इसकी हेल्थ भी काफ़ी कम बची हुई है, और मेरी हेल्थ भी गाइस वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल गाइस मैं अपने ऑस्ट्रेलियन को भेज रहा हूँ, और गाइस ये तो कोई भाई साहब टॉर्नेडो वाला अटैक कर दिया, जो कि गाइस इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है। पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि प्लाज्मा ट्रियो जो है गाइस इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कैसे कर रहा, ये तो गाइस फायर टाइप अटैक करने वाला बंदा है। तो हाँ जब भी अपने पास प्लाज्मा ट्रियो होगा तो गाइस उसको अपन लोग इलेक्ट्रिक टाइप अटैक जरूर सिखाएंगे। फिलहाल तो इसकी HP काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और अपना जो ऑस्ट्रेलियन है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। फिलहाल अपना इसके ऊपर ना मिसाइल लॉन्चर दबा के मारते हैं, ताकि इसकी हेल्थ लगभग ना 1 मिनट है गाइस अपने पास 1.5 मिनट के आसपास है, और अपनी हेल्थ भी गाइस बहुत ज़्यादा जा चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला था इसलिए मैं ऊपर आ गया। फिलहाल गाइस इसके लिए मारने के लिए अपने पास लगभग 1 मिनट का ही टाइम है, और गाइस मेरा हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। फिलहाल गाइस ये इनविजिबल वाला अटैक कर रहा है, शायद से मैं मरने वाला हूँ इस वाले अटैक के बाद। ओके आई विल सर्वाइव, शायद से मैं बच गया हूँ। और भाई साहब इसका जो अटैक है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इस टाइम पे, और गाइस शायद से मैं मरने वाला हूँ भाई, मुझे मरना नहीं था यार। ओके अभी अपने पास ना लगभग 0.5 मिनट है, तो गाइस 0.5 मिनट के अंदर यहाँ पे वापस से रिस्पॉन हो गया, अपन लोग इसको मार सकते हैं। तो हाँ गाइस मुझे इसी जगह पर रिस्पॉन होना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस मैं वापस उस जगह पर रिस्पॉन हो गया हूँ, और मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है, अपने पास 0.5 मिनट ही है इसको मारने के लिए। फिलहाल गाइस मुझे अपने गन से मारना पड़ेगा इसे, और इसी के साथ गाइस अपन लोगों ने इसको इलिमिनेट कर दिया। लेट्स गो गाइस, अपने सारे के सारे पोकेमोन्स मर गए, लेकिन गाइस ऑस्ट्रेलियन ने अपने को बचा लिया, और गाइस इजीली इसे बीट कर दिया। तो हाँ गाइस अपने पास अभी ना प्लाज्मा ट्रियो अल्ट्रा का भी भाई साहब एक आ चुका है, तो हाँ काफ़ी जल्दी अपन लोग भाई साहब प्लाज्मा ट्रियो पैदा करने वाले हैं। फिलहाल गाइस सारे के सारे पोकेमोन्स को मैं अपने डाल लेता हूँ, और गाइस ये वाला पोकेमोन भी यहाँ आसपास आया था बेचारा, मारा गया। फिलहाल गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, और हाँ गाइस सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करना, कमेंट करके बताना गाइस कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम।